हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। आज बात करेंगे फिर से जस्टबिन पेड के बारे में। जस्टबिन पेड बहुत ही बढ़िया तरीके से रन हो रहा है और ग्लोबली ऑटो पूल इनकम भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आज ही मेरी इनकम जो है पूल से 0.1 इथेरियम की हुई है। मैं सभी के सभी अपने आईडी आज ओपन भी करके दिखाऊंगा कितनी आईडी मेरी पूल में चली गई है और अभी तक मैंने कितना बनाया, कितने कितने पूल खुल गए, ठीक है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज बात करते हैं प्लान के बारे में। प्लान है जस्टबिन पेड इजी पुश बटन इनकम सिस्टम, ठीक है। यहाँ से आप हर बार, और आपको पता है इथेरियम की पावर भी पता है, और मैं 31 दिसंबर नाइट को ही ज्वाइन हो गया था और यहाँ पे वन टाइम ही आपको 0.05 इथेरियम। अभी तो इथेरियम का प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया है, 75,000 और एवरेजन 70,000 हो गया है, तो इसकी वजह से आईडी फिर से सस्ती हो गई है। तो फटाफट ज्वाइन करिए, अभी मौका है, अभी मौका है। 0.05 इथेरियम से आप ज्वाइनिंग करिए और लेके जाइए 3,000 इथेरियम। लेकिन आपको काम करना होगा, काम आपको करना होगा यहाँ पर ग्लोबल इनकम के लिए। और चलिए बात करते हैं इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, वो फाउंडर हैं फ्रेडरिक मैन। फ्रेडरिक मैन ऑलरेडी जो है कि 2012 में इनके बहुत ही अच्छे प्लान है JSS SSS SSS के नाम से, और इनका जो है 23 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। और इनके और जो JSS SSS SSS है उसका भी आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। $10 से पहले इसका प्लान था और बहुत चला उस समय, और अब ये जो है इथेरियम के बेस, लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बाद इथेरियम जो है उसके बेस पे आया हुआ है। और यहाँ पे जो है इनकम मल्टीपल टाइप की इनकम है, मैं सीधे सीधे वो बताऊँगा। और सबसे मेन जो इनकम है हमारा जो ग्लोबल पूल का इनकम है वो है। तो यहाँ ये ग्लोबल मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है वो मैं बताऊँगा। आपकी जो ज्वाइनिंग है मिनिमम 0.05 इथेरियम से है, ठीक है। जैसे ही आप 0.05 इथेरियम से ज्वाइन करते हैं तो आपका ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक आ जाता है 0.025 और 0.025। 0.025 जो है ये ग्लोबल मैट्रिक्स एड पैक में चला जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको डेली 1% मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे आपको 1% मिलेगा। और जो 0.05 इथेरियम है वो आपका ग्लोबल पूल में चला जाता है, ठीक है। क्राइटेरिया यहाँ पे है, पूल में जाने के लिए आपको 3 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जैसे ही आप, ये आईडी आपकी भी हो सकती है, आपके फ्रेंड और किसी की भी हो सकती है, जैसे ही आप 3 लोगों को एंटर करवाएंगे अपने अंडर में तो आपकी आईडी जो है चली जाएगी पूल में, पूल के लेवल 1 में। मैं अपने आईडी में भी आपको हल्का सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपने आईडी लगाई 0.05 से वो 2% में डिवाइड हो जाएगी, 0.025 में और 0.025 में। ये फर्स्ट वाला जो 0.025 है ये आपका एड पैक में चला जाएगा, जो कि मंडे टू फ्राइडे 1% डेली मिलेगा। और जो दूसरा वाला है 0.025, और आप जैसे ही अपने अंडर में 3 लोगों को एंटर करवाते हैं तो आपकी आईडी पूल में चली जाती है। पूल में जाते ही आपको क्या इनकम है वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। 15 लेवल तक का है वो मैं बताना चाहूँगा। तो पहले, सबसे पहले आप जैसे ही 3 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं वैसे ही आप आ जाते हैं पूल नंबर 1 में, यानी कि आप पूल नंबर 1 में आ गए और ग्लोबल ही आपको यहाँ पे मेंबर आपके नीचे आएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे पूल में एंटर हो गए, पूल में एंटर होने के बाद आप जो है, आपके नीचे एक दिल्ली का बंदा, एक पंजाब का बंदा और एक मुंबई का बंदा ग्लोबली आएगा। बाकी वैसे कहीं का भी आ सकता है, दुबई का, अमेरिका, कहीं का भी, लेकिन मैं एक जनरल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि ये दिल्ली का बंदा आ गया, ये पंजाब का बंदा आ गया और ये मुंबई का बंदा आ गया। इनसे क्या होगा, 0.05 एंड 0.05, यानी कि 0.15 इथेरियम आपको मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है कि
0.05 और 0.05 का जो है ये आपका सेकंड वाला यानी कि 0.01 में अपग्रेड हो जाएगा, और 0.05 जो है ये आपको विड्रॉल के लिए मिल जाएगा। मैं रिपीट फिर से बताता हूँ, आप जैसे ही 3 बंदे ऊपर लगा देंगे तो आप पूल में एंटर हो जाएंगे। पूल में एंटर होने के बाद ग्लोबल से आपको 3 बंदे मिलेंगे, 3 बंदों से आपका टोटल इनकम हो जाएगा 0.015 इथेरियम, जिसमें से क्या है 0.1 इथेरियम जो है अपग्रेड में चला जाएगा और 0.05 इथेरियम जो है आपको विड्रॉल मिल जाएगा। यानी कि 0.01 जो है आपका यहाँ अपग्रेड में आ गया। अब यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा कि ग्लोबल ही आपको 3 बंदे यहाँ पे भी मिलेंगे, इसमें से क्या है कि आपको टोटल 0.03 मिलेगा, जिसमें से 0.2 अपग्रेड के लिए चला जाएगा और 0.1 आपको विड्रॉल मिल जाएगा। ठीक सेम कंडीशन वैसे ही है कि अपग्रेड में जाने के बाद आपको यहाँ पे भी 3 लोग एंटर होंगे ग्लोबल में, टोटल 0.6 मिलेगा और 0.15 आपको विड्रॉल मिल जाएगा और 0.4 जो है अपग्रेड में चला जाएगा। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे आपकी फिर से री एंट्री लग जा रही है, आपकी पहली री एंट्री लग जा रही है पूल वन में। पूल वन में 0.05 इथेरियम की आपकी फिर से पूल में चली जाएगी। ये इसलिए है कि 2-3 रीजंस हैं कि जो नए बंदे आएंगे उनके नीचे भी उनका पूल जैसे ही फिलअप होगा वो भी आगे आपको पुश करने में, आगे आपकी आईडी आगे भगाने में मदद करेंगे। ये एक मेन लॉजिक है। और जैसे जैसे आप देखेंगे आगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके पूल वाली जो री एंट्री है वो भी बढ़ती जाएगी। री एंट्री भी बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए वहाँ पे आपका तो अपग्रेड हो गया, सेम वही कंडीशन है। आप देखेंगे यहाँ पे आपकी 2 आईडी री एंट्री में चली जाएगा, विड्रॉल यहाँ से आपको 0.3 इथेरियम मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 4 री एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर 8 आईडी आपकी री एंट्री हो जाएगी, विड्रॉल भी आपको यहाँ से 1.2 इथेरियम मिलेगा। इसी तरीके से करते करते आप थोड़ा सा पीपीटी देख लीजिएगा, मैं हल्का सा रोक देता हूँ। यहाँ पे 7-8-9 वीक में है और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 16 री एंट्री है, 32 री एंट्री है और 64 री एंट्री है। इसी तरीके से आप 15वें लेवल तक आते हैं तो आपका टोटल जो है 819 इथेरियम से अपग्रेड होगा, 819 से अपग्रेड होगा और आपकी टोटल इथेरियम की वैल्यू हो जाएगी 2457 इथेरियम, और आप जो है री एंट्री हो जाएगी आपकी इथेरियम के डायमंड पूल में, जो कि आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन तब तक ये यहीं से है। कंपनी का टारगेट मार्च का है और तब तक बहुत बड़ा इनकम भी हो जाएगा। मेन टारगेट ग्लोबल पूल है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हल्का सा कंपनी का जो प्लान है ग्लोबल मैट्रिक्स पूल वाला जो सिस्टम अभी तक मैंने बनाया वो शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग 0.05 से की, ठीक है, 3 लोगों ने एंट्री किया तो 0.15 आपकी इनकम होगी टोटल, आपका विड्रॉल मिल गया 0.05 और 0.01 जो है आपका अपग्रेड में चला गया दूसरे लेवल में, ठीक है। अब मैं फिर से इसको बताता हूँ। अब आप सेकेंड लेवल में एंटर हो गए, यहाँ पे 3 लोग ग्लोबली मिलेंगे तो 0.03 इथेरियम हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो विड्रॉल है 0.1 मिल जाएगा और 0.2 अपग्रेड हो जाएगा। अब 0.2 तीसरे लेवल में जो आप एंटर हो गए हैं यानी तीसरे लेवल में, तो उस वहाँ से 0.2 से तो आपका अपग्रेड हो गया, 3 बंदों से 0.6 मिलेगा, जिसमें से 0.15 आपको विड्रॉल मिलेगा और 0.4 से आपका अपग्रेड हो जाएगा और 0.05 की जो है एक नई री एंट्री जो मैंने पहले ही बताई थी वो लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो वहाँ से क्या है आपका 0.4 से अपग्रेड हो गया, यानी कि आप चौथे लेवल में आ गए। यहाँ से आपको 12 यानी 1.2 इथेरियम की इनकम होगी और 0.3 आपका विड्रॉल लग जाएगा और 0.8 जो है अपग्रेड में चला जाएगा और 0.1 जो है आपकी री एंट्री लग जाएगी। इसी तरीके से आपको देखेंगे आपकी टोटल जो विड्रॉल है, आप अगर 15 लेवल तक पहुंचते हैं तो 2456 इथेरियम का आपका विड्रॉल हो जाएगा और उसके बाद आप डायमंड पूल में भी पहुंच जाएंगे, जिसमें से एक इथेरियम कट के आपका डायमंड पूल में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने 2456 इथेरियम अभी ये पूल का देखा है। अब बात करते हैं सीधे जो एड पैक है,
जो एड पैक है उसकी बात करते हैं। एड पैक का क्या है, वहाँ पे जो मैंने बताया था 0.025 जो है आपका एड पैक में चला जा रहा है, वो उसका आपको एड पैक मिल जाएंगे और उस पर 1% आपको ROI मिलेगा 200 दिनों तक, जो कि मंडे टू फ्राइडे ही मिलेगा, सैटरडे संडे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर के लिए ये बढ़िया है। और आगे बात करते हैं, और जैसे ही आप 3 डायरेक्ट लगाते हैं तो आप आपको क्या मिलेगा, आप 3 अपने अंडर में 3 लोगों को जोड़ते ही आपको 0.12 सेंट, यानी कि जो कि INR में 12 से 15 रुपये होता है, वो डेली आपको आना शुरू हो जाएगा 60 दिनों तक। ठीक है, अगर आप 10 से 19 डायरेक्ट मारते हैं तो आपको 0.15 सेंट आपको डेली मिलेगा, जो कि 60 दिनों तक। अगर आप 20 से 39 डायरेक्ट मारते हैं तो $1.30 आपको डेली मिलेगा 60 दिनों तक। इसी तरीके से अगर आप 1000 से ज़्यादा मार देते हैं $258 मिलेगा 60 दिनों तक। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा और भी क्या है, लेबल इनकम भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। 10 लेबल तक का इनकम है और मैं ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका हूँ, 9 लेवल तक मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट लेवल से आपको 10%, सेकेंड लेवल से 6%, थर्ड लेवल से 5%, फोर्थ लेवल से 2.5% और फिफ्थ लेवल से 2%, इसी तरीके से करते करते 10 लेवल तक 1% आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगला प्लान में, जो कि कंबाइंड टीम इनकम जो है। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले प्लस पॉइंट ये देखना है, यहाँ पे कितने टाइप का इनकम मिल रहा है आपको। डेली ROI मिल रहा है, पूल इनकम भी आपको मिल रहा है, 10th लेवल तक आपको लेवल इनकम मिल रहा है, और ट्रैवल एंड कैश के लिए रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, और डेली जो आपकी डायरेक्ट मार रहे हैं उसका भी मिल रहा है, और पूल जो डायमंड पूल है वो भी इनकम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनकम है, और सभी के सभी इथेरियम में मिल रहा है, तो इथेरियम का आपको पता ही है हिसाब किताब। फिर इसके बाद कैश एंड ट्रैवल रिवॉर्ड जो मैंने बताया था, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे पहला वाला देखेंगे तो आपका 8th लेवल तक अपग्रेड होना चाहिए, मतलब 8th लेवल तक आपका अपग्रेड होना चाहिए, और आपके पास 50 एड पैक होने चाहिए, और टोटल जो डायरेक्ट है वो 25 होने चाहिए 0.05 वाले। ठीक है, तो आपको $400 का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो 9 लेवल तक आपका अपग्रेड होना चाहिए, और क्या कहते हैं 75 एड पैक होना चाहिए, डायरेक्ट 50 होने चाहिए, तब आपको $800 का रिवॉर्ड मिलेगा या थाईलैंड मिलेगा कंपनी की तरफ से। और बाकी सब आप देख लीजिएगा, सभी के लिए है ही है। और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कैसे ज्वाइन होना है। सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके इसमें आपको इथेरियम बाई करना है। ठीक है, इथेरियम बाई करके इथेरियम बाई करना है और इथेरियम को ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करना है। ठीक है, सेंड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपको आपका रेफरल लिंक भी मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में ही आप ऐड फंड क्लिक करके, मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ और अपनी ID भी ओपन एक बार करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरी ID है और मैंने लॉगिन कर दिया है, ये मेरा यूज़र ID नंबर है। और टीम की बात करें और मैं अपने अकाउंट की बात करूं तो विड्रॉल यहाँ पे तो मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे टोटल मेरा खुद का डायरेक्ट 4 हैं और टीम स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चल रही है और काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम भी की बात करेंगे, लेवल इनकम मेरे को अभी तक 0.11 इथेरियम मिल चुका है, और पूल इनकम भी मेरे को देख रहे हैं आप 0.175 मिल चुका है, और स्मार्ट पैक इनकम जो कि मंडे टू फ्राइडे मिलता है वो भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और विड्रॉल भी मैं दिखा दूँ, कई लोगों का डाउट होगा विड्रॉल के रिगार्डिंग, तो विड्रॉल का भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, लाइव में ही दिखाऊँगा। मैं क्लिक करता हूँ फंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए विड्रॉल रिपोर्ट पे मैं दिखा देता हूँ। और मेरी अधिकतर जो है कि मैं लोगों की ID ही एक्टिवेट कर पा रहा हूँ,
मैं दूसरी आईडी पे भी विड्रॉल दिखा देता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा यकीन होगा। आप देख सकते हैं मैंने विड्रॉल मारा था 0.04 और इथेरियम एड्रेस भी दिया था और सक्सेस हो गया है। अपडेट देख लीजिए 9/1/2021 यानी कि 9 तारीख को फ्राइडे था। थोड़ा टाइम डिफरेंस इधर इधर की कंट्री और उधर की कंट्री में हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्राइडे को मारेंगे तो उधर सैटरडे को आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सैटरडे उनका फ्राइडे ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको दूसरी आईडी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा अमाउंट 0.011 इथेरियम 13 के लगभग मारा था, वहाँ वो भी दिखा देता हूँ आपको लॉगिन करके। आप देख सकते हैं ये मेरी दूसरी आईडी है जो कि मैं लॉगिन करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने जो कि मैं विड्रॉल दिखाने वाला हूँ आपको। मैं आ गया यहाँ पे फंड वाले ऑप्शन पे और क्लिक करता हूँ विड्रॉल रिपोर्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0.135 इथेरियम विड्रॉल मारा था और 9 तारीख की डेट में ही मारा था, 9 तारीख की डेट में मारा था। और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है अपने विड्रॉल से रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा, वो भी जाके आप देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ कि बताता हूँ कि कैसे ज्वाइनिंग लगेगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। सबसे पहले तो आपको इथेरियम बाई करना है, और जहाँ से भी आप बाई कर रहे हो, चाहे आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे INR कर सकते हैं और मैं आपको इथेरियम दे दूँगा करंट प्राइस के हिसाब से, या आपकी आईडी टॉप अप कर दूँगा। ठीक है, तो अभी इथेरियम का प्राइस सस्ता है तो आप फटाफट करिए, आपको जो भी करना है डिसीजन लेना है तो, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल पूल का भी इनकम तगड़ा ही है और आप सामने रिजल्ट भी देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में इथेरियम है, ठीक है ना, तो आपके कुछ नहीं करना है, आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना है। मिनिमम आपको 0.025 इथेरियम आप डालेंगे, मेक श्योर कि थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा ही होना चाहिए। मान लीजिए 0.05 इथेरियम आपको डालना है तो आप 0.07 या 0.06 रखिए, क्योंकि थोड़ा गैस फीस भी कटती है तो उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है और ऐड फंड पर क्लिक कर देना है। एंड मैं अभी दिखाई देता हूँ, अमाउंट मैंने डाल दिया है और ऐड फंड पे मैंने क्लिक किया तो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको देखिए, आपको ये एड्रेस जनरेट हो रहा है, इस एड्रेस पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में चले जाना है, आपको यहाँ से ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चले जाना है ट्रस्ट वॉलेट में, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कॉपी करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में चले जाना है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। वहाँ से एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और ये सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस पेस्ट कर देना है नीचे वाले में, जो वहाँ पे अमाउंट आपको दिखा रहा था 0.055। मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जितना अमाउंट दिखा रहा है वही आपको डालना है, ठीक है। उसको डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है और कुछ देर वेट करना है। जैसे ही कुछ देर वेट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका जैसे ही पेमेंट वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, 2-4-5 मिनट में आपका यहाँ पे फ़ंड जमा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही फ़ंड आपका जमा हो जाए तो आपको क्या करना है, स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करना है और एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिवेट पे क्लिक करते ही जिस किसी की भी आईडी एक्टिवेट करनी है आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। एक सबसे बड़ा लॉजिक बात यह भी है कि कई लोग अपनी मेन आईडी पहले टॉपअप नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे वाली जो 3 आईडी है उसको टॉपअप कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी आईडी एक्टिवेट करें तो सबसे पहले ये देखें कि आपका मेन आईडी एक्टिवेट है कि नहीं। आपकी मेन आईडी अगर एक्टिवेट नहीं है और आपने बाद में उसको एक्टिवेट किया ये नीचे की तीनों को एक्टिवेट करने के बाद, तो आपकी आईडी पूल में नहीं जाएगी। तो पहले आपको ऊपर की तीन जो मेन आईडी है उसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद नीचे की तीनों आईडी एक्टिवेट करनी है। तो आप मान लीजिए आपका फंडिंग ऐड हो गया और आप अपने टीम डाउनलाइन में किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास फ़ंड जमा हो गया और आपने कोई सा भी यहाँ पे डाला, मैं जैसे एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक रैंडम डाल दिया यूज़र आईडी और यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है। आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, जो आपको आईडी नंबर देखना है वो ये वाला देखना है, जो भी आपका बंदा है चाहे जो आपसे ज्वाइन किया है तो उसका ये यूज़र आईडी नंबर देखना है और उसका यूज़र नेम देखना है कि उसने यूज़र नेम में क्या डाला है, ठीक है। तो कंफर्म करने के बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अभी ये बंदा एक्टिवेट है नहीं है उसका मुझे नहीं पता, तो
आपको इतना करते ही आपकी आईडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और बस यही इतना है प्रोसीजर। अगर आप इथेरियम बाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको आईडी एक्टिवेट करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फटाफट करिए। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि फ़ोन स्विच ऑफ है ये वो, कुछ नहीं। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, 110% आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आपको वर्क करना होगा, जितना आप वर्क करेंगे आपको इनकम आएगा ही आएगा। अगर आपके वॉलेट में इनकम आ गया है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं एवरी फ्राइडे, ठीक है। 100% सपोर्ट है। डेली 8 बजे मीटिंग होती है जस्ट बिन पेड की। आपका कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और बाकी मैं अवेलेबल हूँ। आपको ज्वाइनिंग लगानी है, क्या करना है, आपके आपको इथेरियम बाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर भी मेरा आपको टाइटल में दिख जा रहा होगा और थंबनेल में भी दिख जाएगा। आप कॉल करिए, ज्वाइन करिए और फटाफट टीम स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। तो फुल सपोर्ट है, टीम भी अच्छा चल रहा है, ग्रो में चल रहा है और मैंने आपको विड्रॉल प्रूफ सब कुछ दिखा दिया, इनकम भी दिखाई दिया। अभी तक मैंने टोटल 1 इथेरियम का लगभग अपने 4-5 आईडी से इनकम कर लिया है। तो थैंक यू, ज्वाइन करिए फटाफट।